देवभूमि उत्तराखंड धार्मिक स्थल के साथ साथ पर्यटक स्थल भी है। तो आज हमारी यात्रा है पिथौरागढ़ जिले के अंतिम गांव नामिक ग्लेशियर की तरफ। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं नामिक ग्लेशियर की खूबसूरत वादियां। सुबह हो चुकी है दोस्तों, हमारे मम्मी जी और मेरी दादी जी घीमा बना रहे हैं हमारे गेस्ट के लिए पराठे। अम्मा आजकल आप गुड मॉर्निंग भी नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ नहीं कहता हूँ, तेरे को क्या मतलब, क्या लेना है क्या देना है। और हमारी मम्मी जी, मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग घी में जो है पराठे बना रहे हैं, आग में खाना बनाते हैं दोस्तों। हेलो जी, जय कुमाऊ जय गढ़वाल, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए ब्लॉग में। हेलो आंटी गुड मॉर्निंग, अंकल जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आज हम लोग जो है ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, नामिक ग्लेशियर तक का सोचा है। उगान पानी में आ चुका हूँ। हमारे पहाड़ों में कुछ इस प्रकार के ग्वार होते हैं, अपने पशुओं के साथ 6 महीने के लिए रहते हैं और कुछ इस प्रकार का छोटा सा दरवाजा होता है। तो यहाँ पर भी आजकल ही बड़े करके मकान बनाया गया है और यहाँ पर हमारे चाची जी लोग अपने पशुओं के साथ रहते हैं। तो चाची आजकल यहाँ रोना? हाँ। अरे वाह, तो यहीं पर रह रहे हैं। अंकल जी थकान लगी? हाँ, चलना पड़ेगा ना, ट्रैकिंग करना ही है। जी जी, तो देखिए कुछ इस प्रकार से मकान, देखिए कुछ इस प्रकार से घास के माध्यम से छत बनाया गया है। तो यहाँ पर ना ये चिराड़ू का पेड़ है और यहाँ पर चूहे ने जो है एक छोटा सा घोंसला बना रखा है। यहाँ पर एक छोटा सा चट्टान है, चट्टानों में आपको हरे प्रकार के पत्तियां दिख रही होंगे। इसकी जो जड़ें होती हैं पथरी में काम आता है, पेड़ों में लगा हुआ है मशरूम। तो यहाँ पर एक पेड़ का तना है जो कि देवदार का है और पूरी तरह सूख चुका है, लेकिन उसी के ऊपर में जो है बुरांस का एक पेड़ खिला हुआ है। तो देखिए ये जो दृश्य है बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो आज का हमारा ट्रैकिंग होगा ऊपर बुग्याल में ही हम लोग स्टे करेंगे। और अभी रास्ता कुछ इस प्रकार से है, एकदम बढ़िया वाला रास्ता है। देखो कितना बढ़िया रास्ता है ना, पत्थरों के माध्यम से बनाया गया है। अभी हम लोग गहरी रौड़ में पहुंच चुके हैं। ये नदी आपकी है गहरी रौड़ और इसका पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। सुबह से ही हमारा सफर शुरू हो गया था गांव से, अभी 12:30 होने वाले दिन के। अभी भी जो अपना ट्रैक है चल ही रहा है जंगलों के रास्ते। हम लोग रेलगाड़ी से आगे पहुंच चुके हैं। थकान लगी आंटी? नहीं। अरे वाह, हमारे अंकल लोग चल ही रहे हैं साथ में और मैं उनके साथ हमेशा हूँ पूरा का पूरा। जब चौमास का सीजन आ जाता है बरसात का ना, तब जाके यहाँ पर बहुत ही सारा जो है पानी भर जाता है। अभी तो बारिश का सीजन कम है, तब जाके यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो रास्ते में ना आपको कुछ इस प्रकार के पौधे भी देखने को मिलेंगे, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा हो जैसे कि ये सांप होगा करके। देखो तने का बाहरी परत है ना, उसमें ऐसा लग रहा कि पूरा का पूरा कागज का पन्ना होगा। देखो देखिए ऐसा लग रहा है कि कागज का पन्ना हो गए। यह जो पेड़ है ये बहुत ही ज्यादा पुराना है, कुछ इस प्रकार से एक दर्रा टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। ताजा ताजा कुकुरमुत्ता लगा हुआ है, पहाड़ी भाषा में चौ बोलते हैं। कट फोड़ों के माध्यम से कुछ इस प्रकार से छेद करे गए हैं। जैसे ही मैंने कुकुरमुत्ते को पूरी तरह तोड़ा ना, अंदर से ना दूध निकलने लग गया। ये वैसे तो हमारा एरिया बहुत ही ज्यादा बरसाती है, जब कभी बहुत तेज बारिश हो जाती है, हवाएं चलती हैं, तो कुछ इस प्रकार से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। जब हमारे पास 4 भैंसे थी 7 गाय थी, तब जाके हम लोग ना यहाँ पर से पानी भरते थे और ऊपर टॉप में रहते थे अपने पशुओं के साथ। ये पौधा धनिया टाइप का लग रहा होगा बट ये पौधा धनिया नहीं होता है, एक जंगली पौधा है। पेड़ भी उस साल पहले ही गिरा हुआ है पूरा का पूरा। यहाँ पर ना आड़ी स्ट्रॉबेरी देखने को मिल सकते हैं। अचानक से बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो गई है। बांस का पेड़ दिख रहा होगा जो कि हमारा राज्य वृक्ष है, और जो हमारे टूरिस्ट हैं आ रहे हैं बड़े करके एकदम प्रकृति का आनंद लेते हुए। थोड़ा थोड़ा दिक्कत इनको ये हो रही कि बारिश लग रही, बार बार बारिश लग रही, फिर बंद हो जा रही ना आंटी। हाँ अभी ठीक है। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ आपका पराथौर बुग्याल में, और यहीं पर हमारा बचपन गुजरा था, यहाँ पर हमारा घर था। और देखो चारों तरफ आप देख सकते हैं इतना अच्छा हरा भरा जो है नज़ारा था, लेकिन तब तो फोन नहीं था वरना ब्लॉगिंग कर देता मैं। तो यहाँ पर आपको 2 घोड़े देखने को मिल रहे होंगे। ये घोड़े तो नामिक के बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं कहाँ के हैं, लेकिन देखो कि इतने ज़्यादा हेल्थी लग रहे हैं दोनों के दोनों। हमको मिल गया है एक खूबसूरत सा पंख जो कि हमारा जो राज्य पक्षी होता है मोनाल, उनका है ये। बरसात के सीजन में यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा पानी आता है। पुल की हालत कुछ इस प्रकार से हुई है। तो यहाँ पर पुल की जो हालत है बहुत ही ख़राब है, दोनों साइड से पुल पूरी तरह टूट चुकी है। धीरे धीरे पेड़ भी जो है सड़ रहे हैं, देखो कुछ इस प्रकार से। आजकल समय समय पर बरसात होने से कुछ इस प्रकार के तालाब भी बन जा रहे हैं। इस जगह को बोलते हैं हम लोग फुटी कुंड, पहले का कुंड था ये,
अब पूरी तरह जो है फूट चुका है। यहाँ का सभी जो पानी है यहाँ पर से आता है और यहाँ पर से ही धरती के अंदर से हो जाता है गायब। देख सकते हैं आप, कुछ भी पानी आपको नहीं दिख रहा होगा। हाल ही में यहाँ पर ये पेड़ टूटा था तो इसी पेड़ को हम लोगों ने रास्ता बना दिया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक शानदार सा कुटिया जो कि पत्थरों के माध्यम से बनाया गया है। खिड़की में देख सकते हैं राम राम लिखा है कुछ इस प्रकार से, बहुत ही प्यारा कुटिया। खूबसूरत नज़ारों के बीच में यहाँ पर आपको एक बहुत ही बढ़िया कुटिया देखने को मिल सकता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है सब्जी खाने का सामान है। आग में जो है यहाँ पर बन रहा चावल और साथ ही यहाँ पर जो है दाल हम लोगों ने पकाने के लिए रख दिया है। दिन के 2 बज चुके हैं और अभी हम लोग बाजू माने में हैं और यहाँ पर ही थोड़ा बहुत खाना बन रहा है दिन का। 2 चाय पीते हैं और आज का स्टे हमारा यहीं पर होगा। यहाँ पर एक सूखी लकड़ी थी, हमारे बड़े पापा रात के बॉन फायर के लिए जो है मोटे मोटे लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं। तो फाइनली टेंट लग के भी तैयार हो चुका है पूरी की पूरी तरह। तो यहाँ पर हमारे अंकल जी लोग खा रहे खाना, मलका की दाल और चावल बना रखी है। कैसा बना है? बढ़िया। अरे वाह, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और अंकल जी लोगों का लग गया टेंट नीचे पे। अभी हमारा ट्रैकिंग शुरू हो गया था घर से ही और अब तो नामी ग्लेशियर का ट्रैकिंग भी हो गया स्टार्ट। तो मैं और मेरे चाचा जी लोग, मेरे भैया जी लोग, मेरे बड़े पापा जी लोग मेरे साथ थे और साथ ही हमारे जो आंटी लोग थे जो टूरिस्ट बन के आए हैं और उनको हम लोग घुमाने आए हैं। तो 2-3 दिन का हमारा पूरा का पूरा ट्रैक है। मौसम ख़राब है वरना हम लोग पूरा नामी ग्लेशियर तक जाते। तो जितने हमसे कोशिश होगी हम लोग पूरा का पूरा जाएंगे और आज हम लोग यहीं पर अपना स्टे करेंगे। अब तो धूप भी थोड़ी बहुत जाने ही वाली है, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है और धूप भी अब देखिए थोड़ा बहुत पहाड़ों के ऊपर ही बची हुई है। तो देखिए शाम का जो धूप होता है ना और सुबह का जो धूप होता है ना, उनकी जो रोशनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और अभी का भी जो रोशनी है बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पर जो डॉगी है, ये डॉगी है आपका गोगिना से। हमारे आंटी लोग आए थे यहाँ पर नामी घूमने के लिए तो उन्हीं के साथ यहाँ पर आया था और देखिए हमारे साथ यहाँ इतने दूर तक पहुँच चुका है। ले, रात के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बॉन फायर जला दिया है जो कि लकड़ियाँ हमारे बड़े पापा जी के द्वारा काटा गया था। ये देखो कितना मस्त जल रहा है आग। तो रात हो गई और रात का खाना बनाना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। हमारे दादाजी बना रहे हैं रोटियाँ। हाँ वाह, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग आग के माध्यम से और हाथ में ही जो हम लोग रोटियाँ बनाते हैं। देखिए वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम गोल बना है। तो रोटियाँ बना रहे हैं हमारे बड़े पापा और चाचा जी और दादाजी तीनों मिलके यहाँ पर खाना बना रहे हैं और यहाँ पर अंकल लोग बैठे हैं आग सेक रहे हैं। बॉन फायर जला रखा हम लोगों ने रात के लिए। यहाँ पर बड़े बड़े लकड़ियाँ भी बड़े बड़े लकड़ियाँ हम लोगों ने यहाँ पर रखी हैं। बड़ी आग में ही थोड़े बहुत अच्छे कोयले हो रखे हैं तब जाके यहाँ पर हमारे चाचा जी लोग जो है रोटियाँ पका रहे हैं। यहाँ पर रात का खाना हो गया रेडी, अंडा और पहाड़ में हम लोग ने आग में बनाई रोटी और साथ में जर्क हो गया और थोड़े बहुत आलू की सब्जी और सोयाबीन मिक्स करा है। तो कैसा लग रहा है खाना? हाँ बहुत बड़ा, थैंक यू सो मच। तो खा रहे हैं खाना बड़े करके। तो यहाँ पर हमारे रात का जो आग है वो भी बढ़िया करके जल रहा है। तो दोस्तों रात का खाना हो चुका है और गांव से हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुका था और आज पहला दिन है। खाना तो हमारा अच्छी तरह हो गया और बॉन फायर भी जल ही रहा है। तो यहाँ से कल का हमारा ट्रैक और ऊपर ऊंचाई वाली जगह पर होने वाली है और देखेंगे सुदम खान तक चलते हैं कल। यहाँ जहाँ तक भी हो पाएगा हमसे पूरा का पूरा कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं आपको बहुत जल्दी कल एक और नए नामी ग्लेशियर ट्रैक में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।